जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा आनंद में रखे, हमारी बस यही दुआ है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हजारों वर्ष पुराना रहस्य मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ये रहस्य क्या है और ये जो है ये बिल्कुल कारगर तरीका है, और ये बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, और ये बात आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो रहस्य है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो रहस्य को बहुत गंभीरता से और बहुत बारीकी से समझे और इसको अपने ऊपर अमल भी करें और इन चीज़ों को फॉलो करें। अगर आप इसे अपने ऊपर अमल और फॉलो करके इन चीज़ों को करेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपके जीवन की जितनी तकलीफ, दुख, दरिद्रता और अपशगुन, जीवन में जो जो कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हैं, उन सबका आपको हल और निवारण की ओर आप जाएंगे। जितना उलझ रहे हैं उतना उलझेंगे नहीं। जीवन में जो भी शांति, सुकून, धन धान्य, दौलत, शोहरत, जो भी चाहिए आपको, वो सभी मिलेगा, और ये ईश्वर की इच्छा से ही मिलेगा, मतलब सही तरीके से ही मिलेगा। ये तरीका जो रहस्य मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, वो सही तरीके से मिलेगा, कोई भी गलत तरीका नहीं है। तो हम उस पर बात करें और वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट्स में आप ओम नमः शिवाय लिखें, जय शिव शंभु लिखें, भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें जो आपको अच्छा लगे। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो हम मुद्दे पर अब आते हैं दोस्तों, कि जो रहस्य है जिसको आपको जानना है वो है जप। अब इसको यहाँ से छोड़कर वीडियो को मत जाइएगा, यहाँ से बारीकी से चीज़ों को समझिएगा कि हमारे पुराने ऋषि मुनि थे जो हजारों बरस तक, कई सालों तक एक मंत्र का जाप करते थे। कोई एक मंत्र को कई कई बार वो जप करते थे और उसकी सिद्धि होने पर उन्हें ईश्वर दर्शन देते थे, और दर्शन देने के बाद वो इस विश्व के कल्याण के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते थे। लेकिन वर्तमान कलयुग, इसमें हमारी एक औसत आयु 100 वर्ष मानी गई है, लेकिन इस आधुनिक दौर में हम 70 साल ही हम औसत आयु है हमारी। तो इस आयु में हम एक कोई मंत्र रख लें, चाहे ओम नमः शिवाय रख लें, चाहे आप श्री गणेश रख लें, या आप कोई सा भी नाम रख दें। मैं तो कहता हूँ सबसे आसान है राम का नाम रख लो, सीताराम, और उसका जप जो है वो कंटिन्यू करें। मतलब अपने कर्म को करते जाए, अपने नौकरी, पेशा, कर्म, जो हम दो वक्त के गुजर बसर के लिए चीज़ें करते हैं, वो बेशक आप करते जाए उसके साथ, या तो अपने मोबाइल में उस तरह का मंत्र जब खुद करके रिकॉर्ड करके बार बार सुने, या खुद मन में उसका उच्चारण चलने दें। दोस्तों, आप जितनी बार करेंगे उतना ज़्यादा प्रभावशाली आपके लिए होगा, पर शर्त यह है कि इस मंत्र को जब जब आप करेंगे तो आपके सामने बहुत से लालच आएंगे, मतलब आपकी वाणी में सत्यता आ जाएगी कि अगर आप किसी को कुछ कह दें कि आपका ये काम हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तब वो जो जप है वहाँ से आपके खत्म हो जाएंगे, फिर नई शुरुआत होगी। मतलब इसको थोड़ा सा यहाँ समझने की ज़रूरत है कि वो सिद्ध हो जाता है, आपकी वाणी जो है सिद्ध हो जाती है, आपका मन शांत रहने लग जाता है, आपके काम स्वतः ही बनने लग जाते हैं। ये जप का बहुत बड़ा चमत्कार है, जो आप खुद इसे करें और अनुभव करें और फिर कमेंट्स करें।